हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य धन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यहां पे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहे सभी एग्जाम को देखते हुए व्यापम के जो है हॉस्टन वार्डन प्रयोगशाला शिक्षाकर्मी भर्ती हो, साथ ही साथ PSC प्री हो गया, साथ ही साथ आपके मेन्स हो गया, इन सभी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ मैं पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य धन डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें लगभग दो पार्ट जो है दो या तीन पार्ट अपलोड हो चुके छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, ठीक है, इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो सर्वपुरी वंश के जो शासक थे, जितने भी कौन से धर्म के अनुयायी थे या कौन से धर्म के सभी जो है सर्वपुरी वंश के मानते थे, सर्व धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या शाक्त धर्म, तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्वपुरी वंश के शासकों द्वारा कौन से धर्म को जो अपनाए हुए थे या अनुयायी थे, तो याद रखिएगा सभी जो है वैष्णव धर्म को जो है मानते थे, और सरपुरी जो शासकों के द्वारा अलग अलग जो है उनके शासनकाल के दौरान बहुत सारे कार्य यहाँ पे जो इनके द्वारा किए गए थे, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सके, सरपुरी वंश के लगभग पाँचवीं से छठी शताब्दी में जो है यहाँ पे जो है शासन किए थे, सरबपुर जो है इसकी राजधानी थे, और सरबराज, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, सरबराज इसके संस्थापक है सर्वपुरी वंश के, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित, इसमें सर्वराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज, प्रवर राज द्वितीय, ये सभी जो है सर्वपुरी वंश के शासक हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजमुद्रा क्या थी, ठीक है। तो राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी, तो गजलक्ष्मी, सिंह, सोने के गरुड़ चक्र, शंख युक्त मुद्रा, या आपका इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग जो है काल में जो है वंश में अलग अलग उनकी जो है राजमुद्रा रही है, उनके जो है देवी देवता अलग भी हम पढ़े हैं, उसी तरह राजर्षि तुल्य वंश की जो है इनकी राजधानी कहाँ थी, आरंग को जो है, ठीक है, रायपुर के अंतर्गत आती है आरंग, राजधानी के रूप में इन्होंने बनाया था। लगभग चौथी से छठी शताब्दी तक यहाँ पर शासन कार्य रहा था, ठीक है, और यहाँ से जो है भीमसेन द्वितीय, ठीक है, भीमसेन द्वितीय के जो जानकारी मिली हुई है कि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भीमसेन द्वितीय जो कौन से वंश के हैं, तो राजर्षि तुल्य वंश के, इनके जो अभिलेख जो है कहाँ से मिली हुई है, तो आपके आरंग से प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसको मंदिरों की नगरी से प्रसिद्ध जानते हैं। इस अभिलेख में राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी यहाँ में मिलती है। ये आपके मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के पेपर में, तो सभी डाटा यहाँ से आपको पता होना ही है। यहाँ से आपके पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, व्यापम में बहुत सारे CMO वगैरह पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके प्रमुख शासक की अगर बात करूँ तो सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय जो है इस वंश के जो है अंतिम शासक हैं, और सूरा इस वंश के प्रथम शासक हैं। इस राज्य में प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश इन्हीं का था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। स्कंदवर्मन के जो है समकालीन शासक कौन रहा है, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, रुद्र सेन द्वितीय, या आपका जो है डीहदेव। तो स्कंदवर्मन के समकालीन शासक कौन थे, तो ये जो है देवसेन थे, देवसेन, याद रखिए डी ऑप्शन। ये आपका जो है जो रुद्रसेन द्वितीय है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती, ठीक है, प्रभावती से इनका जो है विवाह किया गया था, ठीक है जी। ये वाक्टक वंश के शासक हैं, ये सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिवरदेव, ठीक है जी, तिवरदेव जो थे ये आपके कौन से धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म, शाक्त धर्म या जैन धर्म। तो तिवरदेव पहले थे आपके कौन से शासक थे, कौन से वंश के, तो ये आपका जो है पांडु वंश के थे, ठीक है, सिरपुर के पांडु वंश के जो है शासक है, आपको पता होना चाहिए। और तिवरदेव ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ये अनुयायी वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इन्होंने सकल कौशलपति, ठीक है, इन्होंने जो है सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की, और पांडु वंश का विस्तार इन्होंने जो कहाँ तक किया था, तो उड़ीसा तक इन्होंने जो अपने जो है पांडु वंश का विस्तार किया। और खरौत के जल लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, कहाँ पे है, खरौत का आपका जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर में इनके नाम का जो है वर्णन यहाँ पे मिलता है, ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस शहर की
ह्वेनसांग ने लगभग 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी। इन्होंने छत्तीसगढ़ की कौन सा जो शहर है जो ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री था, ठीक है जी, चीनी यात्री है, कई बार बता चुका हूँ, चीनी यात्री है ह्वेनसांग। इन्होंने 7वीं शताब्दी में यहाँ पे जो है कौन कौन से जगह के शहर के जो है यात्रा इन्होंने की थी, आपके सिरपुर, राजिम, माणिकपुर या भांडेर की थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरपुर, ठीक है, सिरपुर, एक और जगह है मल्हार, दोनों को याद रखिएगा। सिरपुर और मल्हार के जो है इन्होंने जो है लगभग 639 ईस्वी, ठीक है जी, तो जो है मतलब ये जो है महाशिवता जो बालार्जुन थे इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की, ठीक है, जिसमें ह्वेनसांग ने यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक यहाँ पे सी यू की में जो है वर्णन किया छत्तीसगढ़ के बारे में, जिसमें छत्तीसगढ़ को जो है कियासलो कहा गया था, ठीक है, कियासलो नाम से जो है वर्णन किया गया था, ठीक है जी, इसको भी आपको याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन से राजवंश है जो इस राज्य पर जो शासन नहीं किया था, सरपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश, मौखरी वंश, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सरपुरी वंश मैं बताया हूँ, पांडु वंश बताया हूँ और नल वंश बताया हूँ, ठीक है जी, तो ये सभी की जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में आप पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी जो है प्राचीन काल में जो है मौखरी राजवंश इस राज्य में शासन नहीं किया है, ठीक है, इन जो सरपुरी वंश के बारे में बता दिया, अलग अलग शासक पांडु वंश, नल वंश, ये सभी जो है हम पढ़ चुके हैं, बाकी जो मौखरी वंश को अभी तक हम जो है प्राचीन काल में जो है हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संबंध या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया गया था, सरपुरी वंश में, पांडु वंश में, सोमवंश में या नल वंश, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सरपुरी वंश। 30 वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवंत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया था, और आप पढ़ाया हूँ भी कि जो है सरपुरी ताम्रपत्र में सरपुरी वंश जितने भी ताम्रपत्र यहाँ से जो मिले हैं जिसमें आपका जो है तिथि स्थान वर्ष यहाँ पे लेखन का जो उत्कीर्ण मिलता है, बाकी यहाँ पे जो है चित्र वगैरह यहाँ पे जो है नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो किसी कैलेंडर वगैरह भी इसकी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सरवराज इसके बताया मैंने, इसके संस्थापक हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसके प्रमुख शासक देखेंगे सरवराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सभी जो है सरपुरी वंश के जो है प्रमुख शासक है। जहाँ पे राजराज शब्द आएगा समझ जाइएगा ये सब जो है सरपुरी वंश के शासक हैं, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख के अनुसार वाकटक जो नरेश पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारा को पराजित किया था, केसरी बेड़ा अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख, रिद्धिपुर अभिलेख या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि कौन सा जो अभिलेख है जो वाकटक नरेश पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारा को जो है पराजित किया था, तो ये आपका जो केसरी बेड़ा अभिलेख में जो है जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो है मतलब केसरी बेड़ा अभिलेख में जो है भावदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है, और यहाँ पे जो है पोड़ागढ़ जो अभिलेख है इसमें जो है स्कंद वर्मन की जानकारी मिलती है, ठीक है, और रिद्धिपुर ताम्रपत्र इसमें जो है भावदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है। यहाँ पे केसरी बेड़ा, ठीक है, केसरी बेड़ा में जो है वाकटक नरेश पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारा को पराजित किया था इसकी जानकारी मिली, ठीक, कन्फ्यूज हो गया था। इस रिद्धिपुर अभिलेख में जो है भावदत्त वर्मन, यहाँ पे ठीक है भावदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है, और पोड़ागढ़ अभिलेख में जो है ये आपका स्कंद वर्मन की जानकारी मिलती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, केसरी बेड़ा अभिलेख जिसमें आपका जो है वाकटक नरेश पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारा को जो है पराजित करती है, ऐसा करके इस जो है मतलब इसमें जो इस अभिलेख में जानकारी मिलती है केसरी बेड़ा अभिलेख में। यहाँ पे जो है पोड़ागढ़ जो अभिलेख है इसमें जो है स्कंद वर्मन, ठीक है, स्कंद वर्मन की जो है जानकारी मिलती है। इसके बाद देखते हैं रिद्धिपुर ताम्रपत्र, इसमें जो है अर्थपति भट्टारक, ठीक है, अर्थपति जो भट्टारक इनकी जानकारी मिलती है, और ये तो बाकी हो गया। और जैसे पंडिया पाथर ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है, राजिम शिलालेख में विलासपुंग की जानकारी मिलती है। यहाँ से आपके जो है मेंस में एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है जी, इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने
पाली के बाण वंश की स्थापना की थी, विक्रमादित्य ने, मल्लदेव ने, सोमराज ने या बोबदेव ने। यहाँ से भी पीएससी में लगभग 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, मल्लदेव। इस शासक ने जो है बाण वंश की स्थापना की थी। बाण वंश अगर देखेंगे तो लगभग 900 ईस्वी में जो है यहाँ पर जो है शासन किया था। 9वीं सदी में यहाँ पर शासनकार रहा था। महामंडलेश्वर जिसको हम मल्लदेव बोलते हैं, ठीक है, महामंडलेश्वर बोलते हैं, इन्हीं को जो है मल्लदेव बोलते हैं। ये जो है इसके संस्थापक है बाण वंश के। राजधानी छत्तीसगढ़ के जो है पाली, ठीक है, पाली कोरबा जिले के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे इनका जो है शासन कहर रहा था। और इसके प्रमुख शासक देखेंगे तो विक्रमादित्य, सुने होंगे विक्रमादित्य एक बाणवंशी शासक है, प्रमुख शासक हैं। और विक्रमादित्य इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसका जीर्णोद्धार कलचूरी शासक जाजल्यदेव जो प्रथम थे, इन्होंने जो इस मंदिर जो है जाजल्यदेव प्रथम ने करवाया। और पाली के प्रशस्त मंदिर का भी निर्माण इन्होंने कराया था। और फिर त्रिपुरी के जो कलचूरी शासन शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है जी, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश, ठीक है, कांकेर के सोमवंश से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? अडभार ताम्रपत्र, संजन ताम्रपत्र, तहनका पारा ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र। तो यहाँ पे जो है कांकेर सोमवंश से जो संबंधित ताम्रपत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिला है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तहनका पारा जो ताम्रपत्र है, ये जो है सोमवंशी, कांकेर के सोमवंशी शासक के ताम्रपत्र, जिसमें व्याघ्रराज, वोपदेव, कड़राज जो सिहावा ताम्रपत्र में मिलता है, कृष्णदेव, सोमदेव जो पंपादेव हैं, ठीक है, इनके जो जानकारी मिलती है। कांकेर के एक शासक भानुदेव का जो है लेख भी जो यहाँ पे मिलता है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, 1191 से लेकर 1320 तक यहाँ पे जो है शासन क्षेत्र रहा है। सिंहराज जो है कांकेर सोमवंश के संस्थापक हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्षक प्रति सम्मान के लिए, या नालंदा में अध्ययन के लिए, या बौद्ध धर्म में आस्था के लिए, या सीयू की उनकी रचना के लिए। तो अभी बताया हूँ भारत में ह्वेनसांग लगभग 639 ईस्वी में आए हुए थे, ठीक है जी, और सीयू की रचना के लिए इनको जो है जाना जाता है। ठीक है जी, कालिदास किस कृति की गिनती विश्व की जो है 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतु संहार के लिए, मेघदूतम के लिए, अभी ज्ञान शाकुंतलम के लिए, या कुमार संभवम के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो कालिदास के जो है प्रमुख रचना है इनकी जो है, ये जो है विश्व की जो प्रसिद्ध 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में जो है होती है अभिज्ञान शाकुंतलम की, ठीक, कालिदास के जो प्रमुख रचना है। ये आपके कई बार में जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे वगैरह में, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ स्टेट के, इसको याद रखना। तो बाकी जो ऋतु संहार, मेघदूतम, ये भी इनकी जो है प्रमुख रचना है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन जो है हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।